गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टीचिंग इंग्लिश लेसन 10 स्टूपिड सर्वेंट। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश में लेसन 10 की एक्सरसाइज का नंबर सी डी एंड ई कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। नंबर सी एक्सरसाइज का आज हम नंबर सी कंप्लीट करेंगे। अभी रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक देयर वर्ड्स। नंबर सी, रीअरेंज द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो उनको अरेंज रीअरेंज मतलब सही से जमा के और एक मीनिंगफुल वर्ड मतलब मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर वन में जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनका सही करेक्ट वर्ड बनेगा ड्रीम, डी आर ई एम, ड्रीम। नंबर टू, टू में स्टैच्यू। नंबर थ्री, थ्री में संत। और नंबर फोर, फोर में प्रिजन। तो स्टूडेंट्स, आपको इन वर्ड्स को अच्छे से रीअरेंज करके मतलब अच्छे से जमा के लिखना है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर डी, राइट अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपोजिट वर्ड लिखने हैं। नंबर वन, प्रॉफिट। प्रॉफिट का अपोजिट होता है लॉस। प्रॉफिट मीन्स फ़ायदा, तो लॉस मीन्स नुकसान। नंबर टू, मास्टर। मास्टर का होगा अपोजिट मीनिंग सर्वेंट। मास्टर मीन्स मालिक, तो सर्वेंट मीन्स नौकर। नंबर थ्री, ट्रेजडी। ट्रेजडी का अपोजिट होगा कॉमेडी। ट्रेजडी मतलब आपबीती, कोई दुखद घटना, तो उसका अपोजिट वर्ड होगा कॉमेडी मतलब सुखद घटना, कोई सुखांत पल। नंबर फोर, स्टूपिड। स्टूपिड मतलब मूर्ख, तो स्टूपिड का स्टूडेंट अपोजिट वर्ड होगा इंटेलिजेंट मतलब चतुर। अब चलिए करते हैं एक्सरसाइज का नंबर ई, टिक द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग पे टिक करना है। यहाँ पे स्टूडेंट टू टू स्पेलिंग लिखी हुई हैं, वन रॉन्ग है और वन राइट है, तो इसमें राइट जो स्पेलिंग करेक्ट है उस पर टिक करना है। नंबर ए, एस ए एन टी संत। और नंबर ए में एस ए एन टी संत या एस ए आई एन टी संत, तो मैंने करेक्ट किया है एस ए आई एन टी संत पर करेक्ट टिक करना है। नंबर टू, एम एस टी ई आर मास्टर पर टिक करना है। नंबर थ्री, वंडरफुल पर टिक करना है। नंबर फोर, ट्रेजडी, टी आर ए जी ई डी वाई, ट्रेजडी पर टिक करना है। तो इस जो करेक्ट स्पेलिंग है उसमें मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, तो आपको इसी तरह टिक करना है। ओके, और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, रीड करना है एंड राइट करना है। ओके।